राजधानी में वॉइस ऑफ जयरंगम 2019 22 से 29 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है। 8 दिवसीय फेस्टिवल जयरंगम के 8वें संस्करण में इस बार शांति अहिंसा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित होगा। जयरंगम के डायरेक्टर कुलदीप गेरा ने बताया कि महात्मा गांधी के साथ जयरंगम उत्सव गुरु नानक साहब और गिरीश कर्नाड को भी समर्पित होगा। विचारों की आजादी के इस उत्सव में कुल 25 नाटक होंगे। इसमें मुंबई, दिल्ली, जबलपुर, मणिपुर सहित कई स्थानों के नाटक शामिल हैं। फेस्टिवल में आर्ट कार्निवल भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक देश के कोने कोने में हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ है। कला एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम हर नागरिक की अंतर जो उसकी आकांक्षाएं होती हैं उसको टच कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक को जब भी मौका मिला है, पिछले कुछ सालों से हम जयरंगम के मंच पे जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से कला के माध्यम से हम लोगों का मनोरंजन करते हैं, कला लोगों का मनोरंजन करती है, भारतीय स्टेट बैंक इस तरह के प्रोसेस में हमेशा साथ रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा। तो है विचारों की आज़ादी का उत्सव। इस वर्ष हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो उसी थीम पे हमने रखा है कि विचारों की भी एक बड़ी आज़ादी है। हम वैसे तो लिबरेट हो गए, वैसे तो हम फ्री हो गए, शारीरिक रूप से बाहर आ गए, लेकिन क्या हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? तो थिएटर इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, विचारों का एक बहुत बड़ा मीडियम है। तो विचारों की आज़ादी का उत्सव करते हुए हम 150वीं जयंती